ओके, तो मैं कुछ साथियों को देख पा रही हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स जुड़ गए हैं। सोमू सर, क्या आवाज़ आ रही है? क्योंकि मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही है। ओके, थैंक यू सोमू सर। सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज कोरोना के दौर पर जब हम लोग अपने अपने घरों में कैद हैं, तो क्यों ना सोचा क्यों ना सांख फिलॉसफी पर कुछ चर्चा की जाए। सांख फिलॉसफी, चाय का समय भी है और चाय की चुस्कियों के साथ, अगर सांख, वैसे भी दर्शन जो है काफ़ी एक गहन और क्लिष्ट और गूढ़ सब्जेक्ट विषय माना जाता है, लेकिन दर्शन का भी अपना एक मज़ा है। तो चलिए बात करते हैं कि भारतीय दर्शन, आज हम लोग भारतीय दर्शन, जिसको कि दो दो तर, दो तरी उसके हिस्सों में बांटा गया है। भारतीय दर्शन में कुछ आस्तिक विचारधारा है और कुछ नास्तिक विचारधारा है। देखिए, दर्शन का सबसे अच्छा पहलू ये है कि दर्शन में हर विचारधारा को एक प्रमुखता दी जाती है और मान्यता दी जाती है। दर्शन का कतई मत एक विचारधारा का मतलब ये नहीं है कि नई विचारधारा के आने पर वो विचारधारा समाप्त हो जाती है या वो पूरी तरीके से नकार दी जाती है। दर्शन खंडन और मंडन पर आधारित होता है कि एक विचारधारा दूसरी विचारधारा का विरोध करती है, पुरानी विचारधारा का विरोध करती है और नई विचारधारा का, इसी तरीके से दर्शन में जन्म होता है। तो भारतीय दर्शन में आस्तिक विचारधाराएं भी हैं और नास्तिक विचारधारा भी है। नास्तिक विचारधारा में जो कि वेद विरोधी हैं, बेसिकली नास्तिक का मतलब वेद विरोधी, जिसमें कि चार्वाक दर्शन आता है, जैन दर्शन है और बौद्ध दर्शन है। और आस्तिक विचारधारा के भी अपनी दो विभाजन किया है, एक जो वेदों पर आधारित है और दूसरा जो लौकिक विचारों से उत्पन्न है। जो वेद आधारित है वो है मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन, और जो लौकिक विचारों से, जो इंडिपेंडेंट थॉट्स हैं जिनके अपने, उसमें है सांख, योग, न्याय, वैशेषिक। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो सांख दर्शन की करेंगे। सांख, जैसे कि शब्द से, एक अपने शब्द से ही लगता है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। सांख मतलब संख्या या क्या? कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि सांख दर्शन जो है, चूंकि इसमें 25 तत्वों की बात करी गई है, 25 एलिमेंट्स का जिक्र किया गया है, इसलिए इसको कुछ लोग संख्या से सांख को मानते हैं, कि चूंकि इसमें संख्या की बात करी गई है। मेरे यहाँ पर चूंकि मानू के भी बच्चे हैं, मानू उर्दू मीडियम यूनिवर्सिटी है, इसलिए मैं थोड़ा सा बीच बीच में उर्दू के भी अल्फाज इस्तेमाल करूँगी, जिससे कि मेरे जो मानू के स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये बात आसानी से समझ में आ जाए। तो तत्व, एलिमेंट्स यानी अनासिर, उर्दू में इसको अनासिर कहते हैं, कि 25 जिसमें 25 अनासिर की बात की गई है, इसलिए शायद इसको संख्या या सांख कहा गया। दूसरा, विचारधारा के लोगों का मानना है कि संस्कृत में इस वर्ड की व्युत्पत्ति हुई है सम और ख्या। सम का मतलब होता है मुकम्मल, संपूर्ण, कंप्लीट, और ख्या का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान और इल्म। जिस दर्शन में संपूर्ण ज्ञान की बात कही गई है, जिस दर्शन में मुकम्मल इल्म की बात की गई है, कंप्लीट नॉलेज की बात की गई है, इसलिए शायद इस दर्शन को सांख्य दर्शन कहा गया। व्युत्पत्ति के अपने अपने लोगों के मान्य हैं, विद्वान हैं, अपने अपने तरीके से मानते हैं। कुछ लोग संख्या के आधार पर इसको सांख्य कहते हैं और कुछ लोग पूर्ण ज्ञान के ऊपर, चूंकि ये आधारित है इसलिए इसको सांख्य कहते हैं। उसने नहीं जाना कि सांख्य सही है, संख्या सही है या पूर्ण ज्ञान सही है, अपनी अपनी विचारधारा है। अगेन, एक बात हमेशा दर्शन पढ़ते समय और बताते समय एक बात बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना, कि दर्शन एक विचार है, विचारधारा है। इसमें आप, ज़रूरी नहीं है कि इस मत से सहमत हो और इस मत से असहमत, दोनों बन सकता है।
तो हमको ये समझना है कि इसका आखिर ये सांख्य दर्शन है क्या, और इसका शैक्षिक निहितार्थ क्या है, इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है, इसके हम तालीम में इसकी मौजूमियत कैसे देख सकते हैं। ठीक, तो महर्षि कपिल जो कि कर्दम मुनि के पुत्र थे, उनके नाम से ही इस दर्शन को जाना जाता है। महर्षि कपिल ने इस दर्शन की व्युत्पत्ति करी, इसके बानी थे, इसके फाउंडर थे, इसके प्रवर्तक थे, इसलिए महर्षि कपिल का इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। छठी शताब्दी, कुछ लोग समय के में मतभेद हैं, ये पुरानी बातों के समय काल टाइमलाइन के लिए मतभेद बहुत होते हैं, कुछ लोग छठी शताब्दी, कुछ लोग सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व इसका समय मानते हैं। सांख्य दर्शन, सांख्य फिलॉसफी की को डिटेल में जाने, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन जानने से पहले ज़रूरी है कि हम ये जाने, किसी भी दर्शन को समझना है अगर तो ज़रूरी है कि हम उसकी मेटाफिज़िक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी को जानें। मेटाफिज़िक्स मैंने तत्व मीमांसा उर्दू में जिसको कहते हैं माबाद तबियात, और एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा उर्दू में जिसको कहते हैं नज़रिया मालूमात, एक्सियोलॉजी यानी कि मूल्य मीमांसा या इल्मुल इक़दार। इन तीनों के संदर्भ में जब तक हम ये तीन संदर्भ किसी भी दर्शन के नहीं जानते, किसी भी दर्शन को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो सांख्य फलसफे की, सांख्य दर्शन की, सांख्य फिलॉसफी की जो मेटाफिज़िक्स है वो ये मानती है कि ये 25 तत्वों की इसमें बात करी गई है, और पुरुष और प्रकृति। देखिए एक बात याद रखिएगा कि सांख्य फलसफा को निरीश्वरवाद की भी संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इसमें ईश्वर के अस्तित्व की बात नहीं करी गई, ईश्वर के अस्तित्व की बात नहीं करी गई, इसलिए इसको निरीश्वरवाद की संज्ञा दी गई है। पुरुष और प्रकृति दो तत्वों से इस जगत की उत्पत्ति हुई है, इन दोनों के संयोग से ही इस सृष्टि को, सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। पुरुष, पुषुष, जिसका कि सही जो उच्चारण है वो पुषुष है, लेकिन जनरली पुस्तकों में पुरुष करके उसको वर्णित किया गया है। पुरुष यहाँ पर कोई मेल जेंडर से मुराद नहीं है, जेंडर से मतलब नहीं है। ठीक, तो पुषुष और प्रकृति, पुषुष और प्रकृति के संयोग से इस दुनिया की तखलीक हुई, इस संसार की रचना हुई, इस सृष्टि वजूद में आई। अब पुषुष क्या है, पुरुष क्या है? पुरुष चेतन है, कॉन्शियसनेस है, स्पिरिट है, लेकिन प्रकृति जो है वो जड़ है। जब जड़ चेतन के साथ संयोग करता है तब सृष्टि की उत्पत्ति होती है। प्रकृति में बुद्धि है, महत, महत जिसको कहा गया है, जिसको जहन कहते हैं। प्रकृति के अपने तत्व हैं, विकार प्रकृति में उत्पन्न होते हैं, पुरुष में विकार उत्पन्न नहीं होता। पुरुष और प्रकृति के संयोग से पुरुष प्रकृति में महत आया, महत में अहंकार है। हम सब जानते हैं कि अहंकार, ईगो, अना, उर्दू में इसको अना कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ भी है। अना, अना भी तीन तरीके की है। सांख्य दर्शन के मुताबिक अहंकार तीन प्रकृति का है, सत्व, रजस और तमस। सत्व यानी प्योरिटी, रजस एक्टिविटी, और तमस इग्नोरेंस, डार्कनेस। प्रकृति एक रस्सी की भांति इन तीन गुणों से अपने आप को समाहित किए हुए है। प्रकृति में, फिर से समझिए कि प्रकृति में बुद्धि है, बुद्धि तत्व प्रकृति में है, और बुद्धि में अहंकार है, और अहंकार तीन प्रकार का है, सत्व, रजस और तमस। सत्व गुण के अगेन, सत्व में जो सात्विक गुण है उसके भी तीन है, मन, पांच हमारी कर्मेंद्रियां हैं, और पांच हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां जिसको कि उर्दू में कहते हैं हवासे खमसा।
हवासे खमसा के ज़रिए हम चीज़ों को जानते हैं। जो पदार्थ को जानने का काम है मैटर, जिसको प्रकृति को मैटर भी कहा जाता है, मैटर को जानने का काम जो है वो पदार्थ के माध्यम से, वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता है, एक्टिव सेंसेस के माध्यम से होता है, जो हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं जिसके ज़रिए हम सुनते हैं, देखते हैं, खाते हैं, अपनी हमारी जो फाइव सेंसेस हैं जिनके ज़रिए हम बात करते हैं। सत्व के अगेन तीन चीज़ों से समाहित है, मन है, मनस जिसको कहते हैं मनस, और पांच कर्मेंद्रियां और पांच ज्ञानेंद्रियां। तमस तन्मात्राओं से बना है, तन्मात्राएं और भूतात्, भूत महाभूता, भूत भूत प्रेत की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, भूतादि जो पंच महाभूत हैं, पंच महाभूत हैं जो कि है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आकाश से शब्द की उत्पत्ति होती है, साउंड, आकाश से शब्द की व्युत्पत्ति है, वायु से स्पर्श का व्युत्पत्ति है, अग्नि से रूप, जल से रस और पृथ्वी से गंध। इस तरीके से जो हमारे 25 तत्वों की बात जिस दर्शन में करी गई है वो है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन का कहना है कि प्रकृति और पुरुष के मध्य जो डिफरेंस है उसको जान पाना ही ज्ञान है। जब तक हम प्रकृति और पुरुष के इस भेद को नहीं जान पाते तब तक हमें ज्ञान नहीं होता। ज्ञान योग पर आधारित दर्शन है सांख्य दर्शन। अब इसकी एपिस्टेमोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। एपिस्टेमोलॉजी सांख्य दर्शन के मुताबिक पदार्थ का ज्ञान ज़रूरी है। एक है पदार्थ का ज्ञान यानी कि प्रकृति का ज्ञान, और दूसरा है विवेक यानी कॉन्शियसनेस, चेतना, पुरुष का ज्ञान। इन दोनों पदार्थों का, इन दोनों एलिमेंट्स का ज्ञान होना ही सही मायने में ज्ञान है। अब कैसे होगा इनका ज्ञान? तो इन्होंने तीन तरीके के विधियाँ बताई हैं। सांख्य दर्शन के मुताबिक तीन तरीके के ज्ञान को जानने के स्रोत हैं। पहला है परसेप्शन, सेंस का परसेप्शन, जो हम डायरेक्ट सेंस परसेप्शन करती है, यानी कि प्रत्यक्ष विधि, मुशाहिदा तरीका, उर्दू में जिसको कहते हैं मुशाहिदा तरीका। दूसरा है इन्फ्रेंस, लॉजिकल इन्फ्रेंस, नॉट ओनली इन्फ्रेंस, लॉजिकल इन्फ्रेंस, अनुमान लगाना। अभी कैसे, इसको बाद में शिक्षण विधियों पर जब आएंगे तो चर्चा करेंगे। शिक्षण विधियाँ आप जो है इन्फ्रेंस, अनुमान लगाना, डायरेक्ट सेंसेस के थ्रू ज्ञान को हासिल करना, और तीसरा है आप्त, मुस्तनद तरीका, टेस्टिमनी। हम तीन तरीके से, सांख्य दर्शन के मुताबिक हम तीन तरीके से ज्ञान को हासिल करते हैं। पहला क्या तरीका है? प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट सेंसेस। दूसरा है इन्फ्रेंस, लॉजिकल इन्फ्रेंस यानी कि अनुमान लगाना, और तीसरा है मुस्तनद यानी कि आप्त यानी कि टेस्टिमनी। तीनों भाषाओं में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि किसी भी बच्चों को ये कल बहुभाषाइकता के ऊपर, मल्टी लिंग्विस्टिक के ऊपर एक लेक्चर था, तो ज़रूरी है कि क्लास में अगर बच्चे हमारे सुन रहे हैं तो हमारे बच्चों को बात समझ में आए, इसलिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा जहाँ जहाँ जो मेन मेन आस्पेक्ट है उनको हम तीनों लैंग्वेज में बताते हुए इसलिए चल रहे हैं कि जिससे किसी को भी ऐसा ना हो कि उसको बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि कुछ बच्चों को हिंदी के जो तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल मीमांसा, ये तत्व, ये एलिमेंट्स समझ में नहीं आते हैं। तो इसलिए तत्व मीमांसा यानी मेटाफिजिक्स, माबादित तब्यात, एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा, नज़रिया मालूमात, एक्सियोलॉजी यानी मूल्य मीमांसा, इल्मुल इक़दार। इन तीन तत्वों के फिर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हम करते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लॉजिकल इन्फ्रेंस निकालते हैं, और आप, ये हो गए इसके एपिस्टेमोलॉजी। अब आते हैं इसके सांख्य दर्शन के मूल्य मीमांसा। सांख्य दर्शन के मुताबिक तीन तरीके के मनुष्य जो है, सांख्य दर्शन का मानना है कि जो मनुष्य है वो तीन तरीके के दुखों से उसका जीवन घिरा हुआ है, आधिदैविक, आधिदैहिक, आधिभौतिक, यानी कि स्पिरिचुअल, फिजिकल एंड मेंटल। जो दुख है, जब तक हम इन दुखों से ऊपर नहीं उठ जाते हैं, और हर मनुष्य के जीवन में, हर मनुष्य के जीवन में
तीन तरीके के दुख आते हैं जाते हैं। ये जो दुख त्रय है, तीन प्रकार की जो माइजरी है, इससे पूरा जो जीव है वो घिरा हुआ है। हर व्यक्ति में सांख्य दर्शन के मुताबिक हर व्यक्ति एक जीव है, सोल है क्योंकि हमारे अंदर, और ये सोल चेतन है। हम कॉन्शियस है कब तक, ये प्रकृति जितनी भी प्रकृति काम कर रही है, प्रकृति जड़ है, प्रकृति काम नहीं कर रही कुछ, ये निष्क्रिय तब तक है जब तक इसमें सोल का वास नहीं है। इसी तरीके से हमारी जितना भी पूरा शरीर है, अगर सोल निकल जाती है, दिस इज कॉन्शियसनेस, अगर ये चेतना चली जाती है तो हम ख़त्म हो जाते हैं। तो मनुष्य जो है तीन प्रकार के दुखों से घिरा हुआ है, आधि दैविक, आधि दैहिक, आधि भौतिक। जो मादी आदि भौतिक का मतलब है मादा फिजिकल माइजरीज, और आदि दैहिक मतलब जो हमारे अपनी फिजिकल अपने मेंटल जो हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आदि दैविक को भी हम दो हिस्सों में बांटते हैं, एक शारीरिक और एक मानसिक। शारीरिक जो है, जैसे कि आप जो आयुर्वेद का ज्ञान रखते हैं, आप सभी जानते हैं वात पित्त और कफ, ये शरीर में सारी व्याधियों की जड़ ये तीन वात पित्त और कफ है। और मानसिक जो विकार आता है वो ईर्ष्या द्वेष मोह लोभ क्रोध की वजह से आता है। तो ये दो विकार, दो तरीके के, शारीरिक और मानसिक, ये विकृतियां मनुष्य को परेशान करती हैं। और आदि भौतिक जो मेटेरियलिस्टिक माइजरीज हैं, कि जो मनुष्य खुद उत्पन्न करता है, जिनको कभी घर में कोई ट्रेजिडी हो गई, सुख है दुख है आते हैं जाते हैं, कोई दुख आया, कोई किसी के घर में मृत्यु हो गई, कोई हमारा सामान खो गया, कोई लॉस हो गया, ये सब आदि भौतिक है। आदि दैहिक दैविक, दैविक माने नेचुरल, जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं ये भी दुख का कारण बनती हैं। अभी अगर बात करें कोरोना की, तो ये अब क्या है, कोरोना आदि दैविक का ही प्रकोप माना जा रहा है, कि दैव का प्रकोप है, कि कोरोना का कोई इलाज नहीं ढूंढा जा रहा, ये एक छोटे से एग्जांपल। तो जो प्राकृतिक प्रकोप हैं, भूकंप इत्यादि हैं, इनको आदि दैविक मानते हैं। इन तीन प्रकार के दुखों से मनुष्य जीवन पर्यंत घिरा रहता है, और इन तीन प्रकार के दुखों से छुटकारा पाना ही अंतिम उद्देश्य है जीवन का। जब तक मनुष्य के शरीर में ये तीन प्रकार के दुख सताते रहेंगे, तब तक मनुष्य दुखों से छुटकारा नहीं पा सकता। अब सांख्य की मूल मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा को जानने के बाद अब बढ़ते हैं कि आखिर शिक्षा में हम किस तरीके से इसका क्या, इसकी शिक्षा में क्या सार्थकता है, कि सांख्य दर्शन को शिक्षा में क्यों शामिल किया जाए, क्यों हमने इसको शामिल किया है कि सांख्य दर्शन हमारे बीएड के टीचर ट्रेनिंग्स को पढ़ाया जा रहा है। देखिए, दर्शन कोई ये नहीं कह रहा कि मेरे अंदर शिक्षा के जो अर्थ हैं वो निहित हैं। ये हमें निकालने हैं कि किस तरीके से हम उसमें निहित अर्थों को हम किस तरीके से शिक्षा में इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं फिर से तत्व मीमांसा से। अब बात करते हैं शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के आखिर शिक्षा का मतलब क्या है, तालीम हम क्यों हासिल करते हैं, एजुकेशन हम क्यों लेते हैं, कि हम क्या बने, हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो जागृत हो, हमारी जो चेतना है वो जागृत हो, हमारा जो शऊर है वो डेवलप हो सके, हमारे अंदर शऊर पैदा हो सके। और शऊर कब पैदा होगा, जब हम इग्नोरेंस से रोशनी की तरफ बढ़ेंगे, लाइट की तरफ बढ़ेंगे, ज्ञान के इल्म की तरफ, ज्ञान की रोशनी की तरफ जब हम बढ़ेंगे, तब हम जाकर के शिक्षा को सही मायने में हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो सांख्य दर्शन के मुताबिक, सांख्य दर्शन की अगर तत्व मीमांसा का अध्ययन करें, तो पुरुष और प्रकृति का भेद कर पाना ही सांख्य दर्शन के मुताबिक शिक्षा का सही मायने में अर्थ है। कि जब
हम प्रकृति और पुरुष के मध्य भेद कर लेते हैं, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको जान लेते हैं, तो हमारे मन में जो तीन प्रकार के जो दुख हैं, आदि दैविक, आदि दैहिक और आदि भौतिक, इन तीन दुखों से हम ऊपर हो जाते हैं। देखिए, दुख तो सताते हैं, दुख आएंगे जाएंगे, सुख आया है तो दुख भी आएगा, दुख आया है तो सुख भी आएगा, लेकिन जब हम इस चीज़ की वास्तविकता को समझ लेते हैं कि अंधेरे के बाद रोशनी है, तो उस दुख का ताप कम हो जाता है। और मनुष्य, चूंकि हम पूरे तरीके से सात्विक नहीं हो पाते, सात्विक व्यक्ति वो कहलाता है जिसने अपने मन को, अपनी ज्ञानेंद्रियों को यानी अपनी हवासे खमसा को, अपनी सेंसेस को और अपनी कर्मेंद्रियों को काबू में कर लिया है। ये जो हमारा शरीर रूपी जो घोड़ा है ना, इसके ये जो पांच जो लगाम है, ये हमारी जो हवासे खमसा है, हमारी जो ये सेंसेस हैं, ये लगाम है। और जब हम इन पांच लगाम से इस घोड़े को चलाते हैं तो हम सत्व की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि जब हम मन से, अपनी कर्मेंद्रियों से, अपनी ज्ञानेंद्रियों से, हमने अपनी बुद्धि को काबू में कर लिया, तो हमने क्या कर लिया, पुरुष और प्रकृति के भेद को जान लिया। और इसको कहते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को जागृत करना, अपने शऊर को पैदा करना, उर्दू में इसको शऊर बोलते हैं, चेतना, हिंदी में चेतना, अपनी चेतना को जागृत कर लिया। जो शऊर है वो जब पैदा हो जाता है तो हम जो जो जड़ और चेतन का और इग्नोरेंस और ब्लेस, इन सब चीज़ों के मध्य जब अंतर करना सीख जाते हैं, सही मायने में शिक्षा का अर्थ वही है। अब शिक्षा के उद्देश्य क्या हों? शिक्षा का अर्थ तो है, ठीक है, कि हमको शऊर पैदा करें। तो शऊर कैसे पैदा किया जाए? शऊर तो तब पैदा होगा जब हमारी शिक्षा के उद्देश्य उस हिसाब से, उस तरीके से निर्धारित किए जाएंगे। तो शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए? शारीरिक विकास। क्योंकि जब तक, देखिए कहते हैं कि जब तक, प्लेटो ने भी कहा है, अरिस्टो ने भी कहा है कि साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, जब तक हमारा मन शरीर दोनों स्वस्थ नहीं है, हम कोई भी काम नहीं कर सकते। शारीरिक विकास, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य शारीरिक विकास, जिससे कि हम अपने जो हमारी हमारा शरीर है वो स्वस्थ बन सके, और जब शरीर स्वस्थ होगा उसी में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करेगा। जब तक आपका शरीर वात पित्त कफ आदि व्याधियों से जकड़ा रहेगा, आप मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ महसूस नहीं कर सकते। दूसरा है मानसिक विकास। देखिए, शरीर कितना भी हष्टपुष्ट क्यों ना हो जाए, लेकिन आप मानसिक रोगी हैं अगर, तो उस हष्टपुष्ट बलशाली शरीर का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो मानसिक विकास करने के लिए शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि हमारी शिक्षा ऐसी हो, हमारी तालीम ऐसी हो, हमारी एजुकेशन ऐसी हो जो सही मायने में हमारा शारीरिक और मानसिक विकास कर पाए। शारीरिक विकास की अगर हम बात करें तो कैसे होता था शारीरिक विकास? आज भी हम खेलकूद, व्यायाम, इन सब के ज़रिए हम क्या करते हैं? शारीरिक विकास करते हैं। मानसिक विकास हम बुद्धि कैसी हो? लॉजिकल, तार्किक। जब तक हम तार्किक नहीं होते, हम लॉजिकल नहीं होते हैं, तब तक हम सही मायने में, हम फिर तो हम लकीर के फकीर हैं कि हमसे जो कहा जा रहा है हम उसको करते चले जा रहे हैं। मानसिक विकास होना बहुत ज़रूरी है, जिसके ज़रिए हम अपने आप को सही मायने में सही और गलत के बीच भेद कर सकें। बौद्धिक विकास, जब तक हमारा जहन खुला हुआ नहीं होता, तब तक हम बौद्धिक विकास नहीं कर सकते। कैसे किया जाए? तो जो लॉजिकल मेथड्स हैं, लॉजिकल मेथड, लॉजिक, तर्कशास्त्र, लॉजिक, ये सारी चीज़ें, मैथ्स, इन सब को करिकुलम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, जिससे कि हम क्या कर पाए,
हम अपना बौद्धिक विकास कर पाए। कोई मुझसे एक सवाल बार बार कर रहा है, व्हाट इज डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना। चेतना का मतलब यह है कि हम अगेन वही बौद्धिक विकास, कि हम ये तो जाने कि हम जो काम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं। जब तक हम अपने काम को ये नहीं जान के करते हैं कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, हमारे अंदर चेतना का विकास नहीं है। हम चैतन्य प्राणी तभी कहलाएंगे जब हम कोई भी काम को सोच समझ के विचार करके करेंगे, और इसीलिए उसी व्यक्ति को चैतन्य कहा जाता है जिसका कि बुद्धि जागृत होती है। आपने कहा कि ये काम करना है, हम वो कर रहे हैं, तो ये लॉजिकल नहीं है। हमारे मन में एक सवाल उठना चाहिए, व्हाई, क्यों करना है, क्यों करना है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, है ना। कि जनरली हम बच्चों को हम शुरू से बचपन से ही हम क्या करते हैं, हम बस भेड़ चाल की तरह धकेलते चले जाते हैं कि बस इस दिशा की तरफ तुम चलते चले जाओ। अरे भाई क्यों चलते चले जाओ, सवाल उठाने की जो सलाहियत है, क्वेश्चनिंग करने की जो सलाहियत है, वो बच्चों के अंदर पैदा करने से बच्चे का बौद्धिक विकास होता है। और बौद्धिक विकास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बौद्धिक विकास नहीं है तो हम सही मायने में हम बुद्धिमान है ही नहीं। हम तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि हम बुद्धिमान हैं, हम अपने आप को बुद्धिमान प्राणी कैसे कह सकते हैं कि अगर हम कोई भी काम को बिना सोचे विचारे कर रहे हैं। दूसरी बात है, नेक्स्ट है नैतिक विकास। आज जो हमारे समाज में मूल्यों का पतन हो रहा है, जो वैल्यूज़ डिट्रॉयड हो रही हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि हम, सांख्य दर्शन कहता है कि अगर हमको आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि दैहिक, इन तीन दुखों से ऊपर उठना है तो ज़रूरी है कि हमारा नैतिक विकास किया जाए। बच्चे का, हमारा मतलब बच्चे का नैतिक विकास किया जाए। बच्चे का नैतिक विकास करना अत्यंत आवश्यक है। बच्चों को शुरू से संस्कार, अच्छी बातें, अखलाक, किरदार, अपनी संस्कृति, तहजीब, ये सिखाना ज़रूरी है, तभी बच्चा सही मायने में एक विवेकशील, तर्कशील और एक बौद्धिक प्राणी बनता है। दूसरी चीज़ कि अब कैसे, ये तो बात करी हमने कि ये सारी चीज़ें शिक्षा के उद्देश्य हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, ये शिक्षा के उद्देश्य हैं। तो कौन कौन से विषयों को समाहित किया जाए, कौन कौन से मजामीन को शामिल किया जाए, उर्दू में विषयों का मजामीन। मैं ट्रांसलेट इसलिए कर रही हूँ कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं और अंग्रेज़ी मीडियम वाले हैं, ना सोचे कि मजामीन क्या बोल गए हम। तो मजामीन बने उन विषयों को शामिल किया जाए कि जिससे कि बच्चे का शारीरिक विकास। तो हम देखते हैं कि स्कूलों में खेलकूद, पीटी, एक पीटी जो शारीरिक व्यायाम होता था कि शुरू में स्कूलों से, स्कूलों में आज स्कूलों ने बंद कर दिया है वो काम, जो कि निहायत ज़रूरी है। अगर हम बच्चे का शारीरिक विकास हमारे समय में, स्कूलों में, हमारे टाइम में, स्कूलों में प्रार्थना, सबसे पहले स्कूल में जाते साथ प्रार्थना होती थी और उसके बाद पीटी होती थी, शारीरिक व्यायाम होता था, उससे सुबह का उठ का जो बच्चा आया हुआ है उसके हाथ पैर सब खुल जाते थे और अच्छा लगता था, हम लोगों को पीटी करने में मज़ा भी आता था। लेकिन आज बंद कमरों के विद्यालयों से इस शारीरिक व्यायाम पूरी तरीके से लुप्त होता जा रहा है, जो कि आज के समय की आवश्यकता है। हमारे विद्यालयों में, हमारे विद्यालय एसी ओरिएंटेड तो हैं, एसी से तो भरे हुए हैं, पैक्ड रूम्स हैं, उसमें बच्चे के आप शारीरिक विकास की बात करते हैं तो मुझे कहीं औचित्य नज़र नहीं आता। जिस स्कूल में, जिस विद्यालय में खेलकूद की व्यवस्था ना हो, वो बालक के लिए तो एक बंद पिंजड़े के समान है। और आज हमारे विद्यालयों से हमें ज़रूरी है कि सांख्य दर्शन, एक कदीम ज़माने का, यानी कि पुराने ज़माने का दर्शन, छठी सातवीं ईसा पूर्व छठी सातवीं शताब्दी का दर्शन शारीरिक विकास की बात कर रहा है, और अफसोस कि आज हमने उसको अपनी शिक्षा प्रणाली से अलग किया हुआ है। हम सिर्फ
किताबी नॉलेज की बात कर रहे हैं अपनी शिक्षा में, लेकिन हमने शैक्षिक शारीरिक विकास को दूर किया हुआ है। दूसरी चीज, हम मैथमेटिक्स, साइंस, तर्कशास्त्र, लॉजिक, धर्म, थियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को स्थान दें। अब आप कहेंगे धर्म, धर्म का मतलब ये नहीं होता कि हम धर्म को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, कोई भी धर्म हो, धर्म को पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है कि हम धर्म के लॉजिकल पहलू को जानें। हम आज धर्म को किस तरीके से मान रहे हैं, लकीर के फकीर की तरह मानते चले जा रहे हैं, हम किसी से सवाल करने के लायक ही नहीं रहते हैं, हमको पूछने की इजाज़त ही नहीं होती है कि हम पूछ सकें कि हम ये काम अगर अपने धर्म में कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ये ज़रूरी है इस बात को जानना, धर्म बड़ा लॉजिकल है, धर्म के समस्त पहलू, सभी धर्मों के सभी पहलू बड़े लॉजिकल हैं, लेकिन हमारे बच्चों को धर्म का लॉजिक पहलू नहीं बताया जाता। तो ज़रूरी है कि हम शिक्षा में अपने करिकुलम के माध्यम से उन तमाम पहलुओं को शामिल करें जिससे कि हम धार्मिक पहलू का, जो धर्म है उसका हम तार्किक पहलू बता सकें, तर्कसंगत पहलू बता सकें। एक बात, बार बार एक सवाल बच्चों से इसलिए, आप लोगों को इसलिए ज़रूरी है बताना, क्योंकि ये पूछा जाता है कि सांख्य दर्शन का प्रैक्टिकल दर्शन कौन सा है, तो वो है योग। सांख्य दर्शन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, जबकि सांख्य दर्शन का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट योगा दर्शन है, जिसकी चर्चा कभी वक्त हुआ तो कभी करेंगे। योग है। तो सांख्य दर्शन ने भी कहा है कि हमें अपने बच्चों के अंदर योग को समाहित करना है, योग के ज़रिए हमें उनको क्या करना है कि अपने शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की तरफ उनको आगे लेकर के जाना है। नैतिक विकास कैसे किया जाए योगा के माध्यम से, सांख्य दर्शन कहता है, जो योग उसके आखिरी के जो धारणा, ध्यान, समाधि, इसके ज़रिए हम बच्चों के अंदर नैतिक विकास कर सकते हैं। अब बात करते हैं ज्ञान की विधियों की। जैसा कि हमने एपिस्टेमोलॉजी में बात करी थी कि एपिस्टेमोलॉजी यानी कि जो है ज्ञान मीमांसा, तीन पहलुओं की बात करी है, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट सेंसेस परसेप्शंस और लॉजिकल इन्फेरेंस एंड आप्त। प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट इन्फेरेंसेस क्या है कि जो भी अनुभव हम अपनी सेंसेस के जरिए करते हैं, हवास खमसा के जरिए हम खुद महसूस करते हैं। बचपन में कितना भी किसी ने क्यों ना कहा हो, माँ रोकती है कि बेटा ये आग है, इसको छूना मत, लेकिन बच्चा जब तक अपने खुद छू करके देख नहीं लेता तब तक उसको उसकी ज्वलनशीलता का अनुभव नहीं होता। और मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी बच्चा ऐसा होगा जिसने कि आग का स्पर्श करके स्वयं अनुभव ना किया हो। इसको कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। पानी गर्म है कि ठंडा है, इस बात को कोई कहेगा तो आप नहीं मानेंगे, ये आपकी जिह्वा बताएगी, आपकी टंग बताएगी कि वो गर्म है कि ठंडा है, स्पर्श बताएगा कि गर्म है कि ठंडा है। दूसरी चीज, डायरेक्ट सेंसेस के जरिए जो हम ज्ञान हासिल करते हैं उसी को न्याय दर्शन में, अभी न्याय दर्शन का जिक्र नहीं कर रहे हैं हम, न्याय दर्शन में वैलिड नॉलेज कहा गया है, क्योंकि हमने अपनी डायरेक्ट सेंसेस से कहा है। कई बार ये सवाल उठता है कि क्या डायरेक्ट सेंसेस से किया गया ज्ञान सर्वथा वैलिड है? नहीं, जवाब है नहीं। अगर सिर्फ एक सेंस के माध्यम से अगर हमने उस ज्ञान को अर्जित किया है तो वो पूर्णतया वैलिड नहीं हो सकता, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, दोनों कंडीशंस हैं। आपसे किसी ने कहा कि भाई ये रसगुल्ला है खा लो, मीठा होता है, आप मान लेंगे? जब तक आप उसका स्वाद नहीं चखेंगे तब तक आप कैसे जानेंगे कि रसगुल्ला मीठा होता है कि कड़वा होता है? आग गर्म है कि ठंडी है इसका एहसास सिर्फ आप अपनी हवा से खमसा के ही जरिए करते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष विधि का, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का कैसे हमने शामिल किया उसको निसाब में, कैसे हमने उसको करिकुलम में शामिल किया है, स्कूल में उसकी क्या उपयोगिता है, हमारी लैब्स, हमारे बच्चे, आप कितना भी उनको बता दें कि ऐसे करके ये होता है, केमिकल का रिएक्शन होता है, तो क्या बच्चे सीख जाएंगे? नहीं,
हमने उसके लिए क्या किया हुआ है, स्कूलों में लैब का, स्कूल कॉलेजेस, हम स्कूल जनरली बात बार बार स्कूल बोल रहे हैं, कहीं पर भी कोई हम लैब में जब तक हम एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते हैं तब तक हम मुशाहिदा तरीका डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन सेंसेस को नहीं कर सकते। कभी कभी आंखें धोखा भी खाती हैं। कैसे? क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ तो आ नहीं रही है तो मैं खुद ही सवाल कर रही हूँ और आपको जवाब दे देती हूँ। कभी कभी आप सफ़र करते हैं, आप बस से सफ़र करते हैं, गाड़ी से सफ़र करते हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आप देखते हैं कि सामने आपको ऐसा सा आभास होता है कि पानी है, जिसको मृग मारीची का कहते हैं, मिराज, शराब उर्दू में। तो क्या है, आपकी आंखें तो कह रही हैं कि वो पानी है, लेकिन आंखें, आपकी आंखों ने क्या खाया है? धोखा खाया है। तो एक सेंस का सिर्फ इस्तेमाल हुआ। तो डायरेक्ट सेंसेस मतलब पांच सेंसेस हैं हमारी, पांचों सेंसेस का इस्तेमाल होना, किसी में आवश्यक है, किसी में आवश्यक नहीं। दूसरा तरीका है अनुमान लगाना। अनुमान यानी कि लॉजिकल इन्फेरेंस। धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान लगाना। धुआं कहीं पर भी उठता हुआ आप देखते हैं तो आप ये अनुमान लगाते हैं कि यहाँ आग लग गई है। और आप अनुमान सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। कैसे अनुमान गलत हो सकता है? जैसे मान लीजिए कि मैं कॉलेज में आई हुई हूँ, स्कूल में एक टीचर भी गया हुआ है, उसका कोई भी उसका अपना पर्सनल बिलोंगिंग्स रखी हुई हैं, उसकी घड़ी रखी है, उसका चश्मा रखा है, उसका बैग रखा है, उसको देख करके बच्चों ने अनुमान लगाया कि फला टीचर आया हुआ है। ये सर्वथा सही भी नहीं हो सकता और सर्वथा गलत भी नहीं हो सकता, क्योंकि उस चीज़ों से आपने मेरा अनुमान लगाया जो मेरी बिलोंगिंग थी कि ये भाई फला टीचर के हैं तो ये टीचर इसके मतलब आई हैं, लेकिन हो सकता है वो कल की रखी हुई हो, छोड़ गई हो, तो अनुमान गलत भी हो सकता है। बादलों को देख करके बारिश का अनुमान लगा लेना, धूप को देख करके ये अनुमान लगाना कि आज बारिश नहीं होगी, और इस अनुमान लगा करके हम घर से बिना छतरी के निकल गए, लेकिन थोड़ी देर बाद बादल आ गए तो अनुमान गलत हुआ। बादल को देख करके वृष्टि का अनुमान लगाया था लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बारिश हो ही जाए, तो अनुमान गलत भी हो सकता है। लेकिन रिसर्च के फील्ड में, अनुसंधान के फील्ड में हम क्या करते हैं? अनुमान तो लगाते हैं, हाइपोथेसिस हम बनाते हैं, हम मान करके चलते हैं। तो अनुमान का भी अपना शैक्षिक महत्व है। बिना अनुमान के कई बार ज़रूरी हो जाता है अनुमान लगाना, इसलिए अनुमान लगाते हैं। तीसरी वह शिक्षण विधि का तरीका है आप्त टेस्टिमनी, मुस्तनद, उर्दू में उसको कहते हैं मुस्तनद। ये बात ने मोहर लगा दी। बाबर पानीपत का युद्ध हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता कब हुई थी, या सांख्य दर्शनी की बात करें, सांख्य दर्शन हुआ था, कैसे मान रहे हैं हम? क्योंकि ये आप्त है, टेस्टिमनी है, मुस्तनद है, हमने माना है। क्यों माना है? क्योंकि ये वैलिड किताबों में लिखा हुआ है, वैलिड सोर्स है। और हम उन जो जितनी भी हमारी मजहबी किताबें हैं, रिलीजियस बुक्स हैं, हम इसमें देखिए एक बात ये है कि हम अनुमान में बहस कर सकते हैं लेकिन आप मुस्तनद वाक्यों में हम बहस नहीं कर सकते। और ख़ास तौर से जो हमारे जो रिलीजियस आस्पेक्ट से, अब आप ये कहें कि नहीं जी सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता इस समय नहीं हुई, इस समय हुई, तो भाई अगर आप बहस कर रहे हैं तो आप अपने या तो वैलिड प्रूफ दीजिए, और वैलिड प्रूफ नहीं है तो फिर वो इलॉजिकल है। तो आप थे वो, इसलिए हम मानते हैं। कोर्ट के डिसीजंस, आप पुराने कोर्ट के डिसीजंस को रेफरेंस लेते हैं, हमारी बुक्स, टेक्स्ट बुक्स, क्या है ये? इस सांख्य दर्शन की दी हुई उस विधि के द्वारा ही टेक्स्ट बुक मेथड हम अप्लाई करते हैं, करते हैं कि नहीं करते? टेक्स्ट बुक मेथड्स आज आप्त विधि के ऊपर है,
इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स जो हैं वो हमारे लॉजिकल इन्फ्रेंस के ऊपर है, एक्सपेरिमेंटल मेथड हमारे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस के ऊपर है, जिसका हम आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं और करते हैं, आगे भी होगा। तो आप्त का मतलब टेस्टिमनी, जिसके ऊपर मोहर लगी है कि हाँ ये माना जाता है। जैसे स्कूल में क्लास में टीचर जो पढ़ाता है वो क्या है, आप्त है, क्योंकि उसको एक वैलिड सोर्स माना जा रहा है कि ये जो है फला व्यक्ति कह रहा है इसके मतलब क्या है कि ये सही है। ठीक, तो तीन विधियां हैं सांख्यिकी, तीन शिक्षण विधियां हैं। पहली है डायरेक्ट सेंसेस के थ्रू, यानी कि प्रत्यक्ष विधि यानी कि मुशाहिदा तरीका। दूसरा है लॉजिकल इन्फ्रेंस, यानी कि अनुमान लगाना यानी कि कयास लगाना। तीसरा है आप्त, टेस्टिमनी, उर्दू में मुस्तनद। ये तीन शिक्षण विधियां हैं। अब बात करते हैं कि सांख्य दर्शन के मुताबिक टीचर कैसा हो, टीचर कैसा हो। तो टीचर वही है, सांख्य दर्शन के मुताबिक टीचर वही बन सकता है जिसके अंदर की प्रकृति और पुरुष के मध्य भेद का जो ज्ञान है वो उत्पन्न हो गया हो, आप तो। जिस व्यक्ति के अंदर खुद ही प्रकृति और पुरुष के मध्य का जो ज्ञान है वही नहीं, उसी ने अर्जित नहीं किया, तो वो सामने वाले छात्र को कैसे दे सकता है, वो सीखने वाले को कैसे दे सकता है। जब तक वो नोअर नहीं है, जानने वाला नहीं है, तो वो दूसरे को क्या देगा। तो शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि इन दोनों के मध्य का जो डिफरेंस है, जो 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 दोनों का भेद है, उसको जान पाए। और इसके लिए ज़रूरी है अनुशासित जीवन, डिसिप्लिन की बात करता है यम, जो योग का पहला मरहला, पहला स्टेप है यम। यम यानी मन वचन और वाणी का, मन वचन और कर्म का संयम। मन से, जबान से और अपने एक्शन से हम जो करें उनके ऊपर जिसका संयमित है, जिसकी पांच इंद्रियां उसके कंट्रोल में है, वो क्या है, आप। वही एक शिक्षक होना, अनुशासित जीवन जिसका है। इसलिए सांख्य दर्शन बच्चे के अंदर, छात्र के अंदर, तालबे इल्म के अंदर अनुशासित जीवन जीने की सलाह देता है सांख्य दर्शन के मुताबिक। कि जब तक हमारा जीवन अनुशासित नहीं होगा, जब तक हमारी पांचों इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं होगी। जीवा को रस अच्छा लगता है, लेकिन रस अच्छा लगता है इसका मतलब ये नहीं है कि खाते चले जा रहे हैं, खाते चले जा रहे हैं, नहीं, कंट्रोल, काबू में रखना। जीवा तो है ही रस आस्वादन के लिए, लेकिन जब इसका मेरे ऊपर कंट्रोल आ जाता है, मेरे मन का, मेरी बुद्धि का इसके ऊपर कंट्रोल आ जाता है, तो मैं किसकी तरफ बढ़ रहा हूँ, सत्य की तरफ बढ़ रहा हूँ। और जब मेरा इनके ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो मैं किसकी तरफ बढ़ रहा हूँ, तमस की तरफ बढ़ रहा हूँ, मेरा जीवन तामसिक होता चला जा रहा है। अगर मेरी अपनी जीवा पर अपनी रसास देखना है, ऑफकोर्स है, आँखें हैं तो देखने के लिए ही है, हम देखेंगे, लेकिन क्या देखना है इसका निर्णय अगर हम नहीं कर पा रहे, तो हम किसकी तरफ जा रहे हैं, तमस की तरफ जा रहे हैं। और रजस क्या है, सत्व और तमस का मेल है। हम आम लोग जो हैं वो रजस गुण से भरे हुए होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर हम पूरी तरीके से सात्विक भी नहीं है, पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं है, और पूरी तरीके से तामसिक भी नहीं है। तामसिक प्रवृत्ति के लोग, जिसको कि हम कहते हैं, क्या कभी कहते हैं ना कि राक्षस हो क्या, तो वो क्या है, वो मतलब उनका अपनी किसी भी इंद्रिय पे कंट्रोल नहीं है, वो व्यक्ति तमस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इन तीनों में जब तक अपनी ज्ञानेंद्रियों पे, अपने कर्मेंद्रियों पर, अपने मन पर जब तक हमारा संयम नहीं होता, तब तक हम अनुशासित जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। इसलिए शिक्षक को चाहिए, टीचर को चाहिए, उस्ताद को चाहिए कि वो अपने अनुशासित जीवन के जरिए, आजकल बहुत ज़रूरी है, अपने अनुशासित जीवन के जरिए छात्रों के अंदर अनुशासन, अनुशासित जीवन जीने की ललक पैदा कर सके। अब छात्र कैसा हो, छात्र तो ऐसा है कि
जिसका अपनी इंद्रियों पर तप संयम के साथ जिसका जीवन व्यतीत करना है, तो जरूरी है कि छात्र स्वाध्याय की तरफ बढ़े, स्वाध्याय की तरफ आगे बढ़े। एक मिनट, मुझे सवाल कुछ आ रहा था, निकल गया। एनीवे, स्वाध्याय की तरफ आगे बढ़े, स्वाध्याय की तरफ आगे बढ़ना है। यहीं पर बात आती है किसकी? इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच की। अगेन इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच, इसीलिए सांख्य दर्शन को कहा जाता है कि ये इंडिविजुअलिटी के ऊपर बेस्ड है। स्वाध्याय की तरफ बढ़ना है, और स्वाध्याय की तरफ बढ़ना है तो योग के मरहलों को, योग के स्टेप्स को फॉलो करना लाजमी है, आवश्यक है, जरूरी। छात्र संयमित जीवन तभी व्यतीत करेगा जब वो योग के ऊपर आधारित अपनी दिनचर्या निर्धारित करेगा। यम नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, योग के 8 नियम है। कभी योग के ऊपर चर्चा करने को संभव हुआ तो योग के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि सांख्य का प्रैक्टिकल आस्पेक्ट योग है, योग दर्शन। तो छात्र के लिए जरूरी है कि वो स्वाध्याय करे, जो कि आजकल के छात्रों में बहुत कम देखा जाता है। स्वाध्याय का मतलब है अपने शौर को, अपनी अंतरात्मा को, अपनी चेतना को जागृत करना, अपने आप को पहचानना, टू नो योर सेल्फ। किसी ने अभी एक सवाल पूछा था, ये शऊर क्या है, ये कॉन्शियसनेस क्या है? जिस दिन आप अपने आप को जानते हैं, आप अपने आप को जानना शुरू कर देते हैं, वो उस दिन आप अपनी अंतरात्मा को, अपनी चेतना को जागृत कर लेते हैं, और वही शऊर है। अगर मैं किसी के कहने पर काम करता चला जा रहा हूँ तो मैं जागृत नहीं हूँ। जागृत तो वो व्यक्ति है जो मुझसे वो काम करवाता चला जा रहा है, और मैं सोता हुआ उस व्यक्ति को करता चला जा रहा हूँ। अगर मैं शिक्षक के पढ़ाने पर सवाल नहीं करता तो शिक्षक जागृत था, छात्र तो सुसुप्त था। और आजकल की क्लास में जरूरी है कि हम बच्चों को सवाल पूछने के लिए, यहाँ पर मुझे बड़ा मुश्किल हो रहा है कि मैं सवाल पढ़ नहीं पा रही हूँ, बहुत जो है जल्दी जल्दी सवाल निकल रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यही अष्टांग योग है। यम नियम आसन, यस, यम नियम आसन प्राणायाम, यस, ये अष्टांग योग, अष्टांग मार्ग। यम मन वचन और कर्म का संयम, नियम हमारे दैनिक जीवन के नियम, योग का बात नहीं कर रहे हैं अभी, सांख्य की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सोनी जायसवाल जी ने सवाल किया है क्या यही है, हाँ जी ये यही अष्टांग योग है, कि हम नियम आसन, कि हम बैठे कैसे, लेटे कैसे, हमारा सही, हमारी जो ये मेरुदंड है इसका सही उचित होना जरूरी है, तो हम बैठे कैसे, लेटे कैसे, यही योग का आसन। प्राणायाम, हमारा जो सांसों का चलना उतरना है, एक 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 ये नेचुरल प्रोसेस है जिसको कहते हैं आरोह और अवरोह। आरोह और अवरोह के जरिए, ये नेचुरल प्रोसेस के जरिए ये चढ़ते उतरते रहते हैं। सही तरीके से सांस कैसे ली जाए कि हम अपनी फेफड़ों को स्वस्थ रख सकें, लंग्स को स्वस्थ रखें, इसलिए प्राणायाम का बहुत इंपॉर्टेंस है। एंड देन प्रत्याहार, कि हमारा आहार कैसा हो। धारणा, स्टूडेंट की लाइफ में धारणा, ध्यान, समाधि पे जरूर फोकस करूंगी। ये समाधि का मतलब ज़्यादातर बच्चे ये समझते हैं कि गड्ढा खोदना, और गड्ढे खोदने तो जो ऋषि मुनियों को करते देखते हैं कि समाधि, गड्ढा खोदा और गड्ढा खोद के नीचे बैठ गए, वो समाधि, ना जी ये समाधि नहीं है। धारणा का मतलब है कि अगर इस समय आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, और वाकई में अगर सुन रहे हैं, तो इस समय आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं सुनाई दे रहा, कुछ इधर उधर की बात नहीं, मुझे इस समय कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मुझे सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। ये मेरी समाधि की अवस्था है कि मैं पूरी तरीके से एकाग्रचित होकर के आपके ऊपर केंद्रित हूँ, ये समाधि की अवस्था है। धारणा का मतलब होता है एक नियत बांधना। हम कोई भी काम करने से पहले, अभी रमज़ान चल रहे हैं, रोज़े में नियत बांधी जाती है कि आज हम रोज़ा रखेंगे, बिना नियत बांधे रोज़ा नहीं रखा जाता। और आप जनरल लाइफ में भी, बाकी के लिए, कि आप जब भी कोई एक नियम करते हैं कि आज मुझे ये काम करना है, उपवास रखना है, ये नियत बांध ली, धारणा करी आपने, और उस धारणा को जब आप नियत बांध लेते हैं, तब आपका किससे हट गया सारा ध्यान,
बाकी विषयों से ध्यान हट गया, उस दिन आपको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। आज इतनी गर्मी के मौसम में भी रोज़े चल रहे हैं, सुबह से लेकर के शाम तक का वक्त बिना पानी की एक बूंद लिए गुजारा जाता है। इसको कहते हैं ध्यान, समाधि की अवस्था में चले जाना। यह है धारणा, ध्यान, समाधि, जो आज के बच्चे के स्वाध्याय के लिए ज़रूरी है। हम अपने बच्चों में सांख्य दर्शन के धारणा, ध्यान, समाधि के जरिए, स्वाध्याय के जरिए, मेरा मतलब है स्वाध्याय के जरिए, इन बातों को जब 3 घंटा आप इम्तहान के देते हैं, एग्जाम लिखने जब आप बैठते हैं, तो वो 3 घंटा शायद जो टीचर ड्यूटी देता है उसको बड़े भारी लगते हैं, लेकिन जो बच्चा एग्जाम लिख रहा होता है उसको 3 घंटे 3 मिनट की तरह लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप समाधि की अवस्था पे, आपने नियत बांध ली कि ये 3 घंटे मुझे ना, वो बच्चे जो कि एग्जाम दे रहे हैं, जो लिख रहे हैं, उन बच्चों की बात नहीं कर रहे हो जो पर्ची छुपा के आए कहीं, ठीक है ना। तो मेन बात यह है कि जिसने जिस तरीके की धारणा रखी हुई है, अब आपका ध्यान अगर उस पर है कि हमारी पर्ची वहाँ छुपी हुई है, सवाल ये आया है, तो आपकी धारणा वो है, आपका ध्यान वो है, आपकी समाधि वो है, फिर आपका लिखने में मन नहीं लग रहा क्योंकि आपको आ ही नहीं रहा। लेकिन जो बच्चा वाकई में इम्तहान लिख रहा है उसको कुछ नहीं नज़र आता, ठीक। तो फिर से एक जनरल, एक पूरा रिकैप करते हैं। सांख बात करता है 2 तत्वों की, प्रकृति और पुरुष। पुरुष चैतन्य है, ठीक है। पुरुष क्या है? कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं, सोल है, स्पिरिट है, और प्रकृति जड़ है। ये जड़ जब चेतन के संयोग में आती है तभी उसके अंदर महत का उद्भव होता है, अदरवाइज जड़ है। महत, महत के अंदर है अहंकार। अहंकार 3 है, 3 प्रकार का है, सत्व, रजस और तमस। सत्व मन है और हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और तमस 5 भूताज हैं, जिसको कि हम आकाश, वायु, पंचभूत जिसको कहते हैं, और 5 तन्मात्राएं, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। जब हम अपनी इन तन्मात्राओं के ऊपर कंट्रोल करके, अपनी सेंसेस के ऊपर कंट्रोल करके हम बढ़ते हैं, तो हम सत्व की तरफ बढ़ते हैं, और जैसे जैसे हमारा इनके ऊपर कंट्रोल छूटता चला जाता है हम तमस की तरफ बढ़ते हैं। तो शिक्षा के माध्यम से ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों में पुरुष और प्रकृति के मध्य जो भेद है, जड़ और चेतन के मध्य जो भेद है, उसको हम पैदा कर सकें, जान सकें, कि वो उसको जान सकें। और जो 3 प्रकार के दुख हैं, आदि दैहिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, ये 3 प्रकार के जो दुख हैं, उनको हम, दुख तो आएंगे, ये दुख तो भोगने ही पड़ेंगे, लेकिन इन दुखों को हम अपने ऊपर हावी ना होने दें, सम भाव से जब इन 3 दुखों से हम अपने आप का जीवन व्यतीत करते हैं, तो हम सही मायने में किसकी तरफ बढ़ते हैं? योग की तरफ बढ़ते हैं। और हमें ये एहसास हो जाता है कि ये जो हमारा जो शरीर है, ये दुख का अनुभव तो शरीर को होता है, आत्मा को नहीं। दुख का अनुभव शरीर है, ये पंचभूतादि से जो मिल करके शरीर निर्मित है, कष्ट इसको होता है। सोल इज फ्री, सोल इज इंडिपेंडेंट, सोल को कोई कष्ट नहीं है, सोल इज रीबॉर्न। तो इसलिए हमारे जो इस सांख्य दर्शन के जरिए हम बच्चों के अंदर प्रत्यक्ष विधि, आप देखिए कितनी इसकी बात है कि हम देखते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, हम ये कहते हैं कि प्रोजेक्ट मेथड आ जाए, इस प्रैग्मेटिज्म के दौर पर आए, लेकिन अगर हम अपने पुराने फलसफों को देखें, पुराने दर्शन को देखें, तो प्रत्यक्ष विधि और अनुमान विधि और आप्त विधि कितने कदीम ज़माने, एक ज़माने पहले, 6वीं-7वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 6वीं-7वीं शताब्दी पहले ही दे दी गई थी और हमें ज्ञान तक नहीं था। तो प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से अर्जित किया हुआ ज्ञान यथार्थ ज्ञान है, हकीकी है। अनुमान ज़रूरी है, रिसर्च में हम अनुमान लगाते हैं। आप हम ज़रूरी है कि हम अपनी टेक्स्ट बुक का सहारा लेते हैं। हम पानीपत की लड़ाई देखने के लिए ना आप थे ना मैं थी, लेकिन किताबों में पढ़ा तो हम मानते हैं कि हाँ, पानीपत की लड़ाई 1761 में हुई। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं जी, 1700 फला में नहीं हुई,
तो फिर आप प्रूफ कीजिए कि नहीं, कैसे नहीं। तो ये आप थे कि टेस्टिमनीज़ हैं जो हमारे पुराने जो जितने भी डिसीजंस हैं वो पुराने जो लिखे हुए हैं हम उनको मानते हैं कि हाँ ये है ठीक। और सांख्य के मुताबिक हमारा शिक्षक जो है हम सभी लोगों को आप्त होना चाहिए, संयमित होना चाहिए, नियमित होना चाहिए, तभी हम अपने व्यवहार के ज़रिए अपनी वर्ण वचन कर्म से हम अपने छात्रों को स्वाध्याय की तरफ प्रेरित कर सकते हैं। अब सवाल मुझे इतने सारे मैसेजेस हैं कि मुझे मैं नहीं ले पा रही हूँ सवाल। मैम वाकई पुरुष से क्या तात्पर्य है जैसा कि आपने शुरुआत में बताया? ये कोई नो इज़ नॉट जेंडर, पुरुष इज पुषुष, एक्चुअल वर्ड है पुषुष, इट्स सोल स्पिरिट कॉन्शियसनेस, इट्स नॉट जेंडर। ये मेल फीमेल यहाँ जेंडर की बात नहीं हो रही है, ये कोई मर्द और पुरुष के यहाँ वाले पुरुषों की बात नहीं हो रही है। इट्स अ सोल जो आपके अंदर है, मेरे अंदर है, सबके अंदर एक सोल है। और सांख्य दर्शन प्रत्येक जीव में सोल का कहता है कि प्रत्येक जीव में पुरुष है, पुरुष है। पुरुष से यहाँ मुराद जेंडर से नहीं है, कतई नहीं है। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि एक्चुअल वर्ड पुरुष है, PUSUSH पुरुष। लेकिन उसको पुरुष 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 लिखा जाता है, एक्चुअल वर्ड पुरुष है फिर एनीवे। बट जो भी है पुरुष भी अगर आप पढ़ते हैं तो उसको जेंडर से मुराद नहीं है। दूसरा सवाल तो मुझे, कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछिए। समाधि मीन्स हायर कॉन्सेंट्रेशन, यस। समाधि मीन्स, सौम्या संस्कृति केसरी पूछ रही है कि समाधि मीन्स हायर कॉन्सेंट्रेशन, यस। समाधि वो अवस्था, ध्यान की वो अवस्था जहां आकर के मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इवन आप खुद अनुभव करिए कि अगर आप कभी कभी ऐसा होता है कि आप सफर कर रहे हैं और आपकी आंखों के सामने से कोई निकल जाता है और आप किसी सोच में इस कदर डूबे हुए होते हैं कि आपको कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ नहीं सुनाई देता, फिर आप कहते हो अरे मैंने तो देखा नहीं, मैंने तो सुना नहीं। या दो लोग बात कर रहे हैं, आपका मन कहीं और है, कहीं और समाधिस्थ है, कहीं और कॉन्सेंट्रेटेड है, तो आप क्या कहते हो कि सॉरी आई कुड नॉट लिसन। आप वहीं बैठे थे बट आप सुन नहीं पाए क्योंकि आपका जो मन था, आपका जो ध्यान था वो कहीं और था। तो वो क्या है? समाधि की अवस्था। समाधि की अवस्था में बिल्कुल हायर कॉन्सेंट्रेशन। ये गड्ढे वाली समाधि नहीं है कि बैठ गए धूनी रमा लिया और मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति का मतलब क्या है? मोक्ष कोई ऐसा थोड़ा नहीं कि हम अपने आप की मृत्यु हो गई तो हमें मोक्ष मिल गया। मोक्ष का मतलब यह है अमृत्व। अमृत्व कैसे होता है? अमर इतने सारे लोग रोज गुजर जाते हैं, किसी के बारे में कुछ नहीं पता होता। हम अपने आप के अंदर जब अपने आप को जान लेते हैं, स्वाध्याय की बात इसीलिए की गई है, सेल्फ आइडेंटिटी की बात करता है सांख्य दर्शन, इंडिविजुअलिटी की बात करता है, ठीक है ना। तो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच कि हम अपने आप को जाने, अपने आप को समझें, किसके ज़रिए? स्वाध्याय के ज़रिए। और जो भी काम करें उसमें पूरी तल्लीनता से, पूरी मगन होके, पूरी लगन के साथ जब हम कोई काम करेंगे देन ओनली हमको उस काम में सफलता प्राप्त होती है। जब आप कोई काम करते हैं, जब आपका अपना मन का कोई काम होता है, बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि जब आपके मन का कोई काम, जो आप मन से जिस काम को करते हैं उस काम में आपका पूरा हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, होता है कि नहीं होता है? लेकिन जिस काम को ज़बरदस्ती, अब क्लासरूम में ज़बरदस्ती आपको बिठाया जाएगा, अभी जितने लोग अगर यहाँ पर अगर ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपका ध्यान यहाँ है ना, क्लास में रहते हुए भी कई लोग होते हैं, बच्चे जो होते हैं ध्यान से नहीं सुन रहे, तो आपका ध्यान वहाँ नहीं है, आप मानसिक रूप से वहाँ नहीं है। तो ज़रूरी है कि हम पूरी पूर्ण तल्लीनता के साथ मग्न होकर के, डूब करके जिसको काम को हम करते हैं, दैट इज़ द समाधि। एनी मोर सवाल? मुझे और कोई सवाल हो तो बताएं। फिर क्या है मोक्ष का प्राप्त, मोक्ष
कब प्राप्त किया जाता है? मोक्ष, मोक्ष प्राप्त क्या करना है? मोक्ष का मतलब क्या होता है कि हम अपने आप को, देखिए जब आप स्पिरिचुअल, जब आप आदिदैहिक, आदिदैविक, आदि भौतिक इन तीनों प्रकार के दुखों से ऊपर उठ गए, आपने मोक्ष प्राप्त कर लिया। मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि टाटा बाय बाय, ठीक है ना, वो तो मृत्यु है, वो मृत्यु है, वो तो सोल आपकी निकल गई, आपका शरीर बेजान हो गया। जब हम, हमें दुख है, सुख है, तो हम बिल्कुल पागल हुए जा रहे हैं सुख में, दुख है तो हम मार विलाप करते चले जा रहे हैं, अरे दुख है तो सुख भी आएगा, सुख है तो दुख भी आएगा, इन सारी अनुभूतियों से हम जब परे हो जाते हैं, तब हम अपने आप को सही मायने में, हमारे अंदर चेतना की जागृति होती है। सवाल आया है शिखा पांडे का कि सांख्य दर्शन के मुताबिक सर्वोत्तम शिक्षण विधि क्या है? देखिए सांख्य दर्शन कुछ नहीं कह रहा कि सर्वोत्तम क्या है और खराब क्या है। सर्वोत्तम शिक्षण विधि कोई एक नहीं हो सकती, हम हर समय अलग अलग तरीकों से ही ज्ञान अर्जित करते हैं, हम कभी भी एक तरीके से ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। आप हर समय प्रत्यक्ष विधि से नहीं अर्जित करते ज्ञान। आप ये बताएं, क्या आप पानीपत की लड़ाई के समय, भाई आपको पढ़ाया जाता है हिस्ट्री में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आप पे पढ़ा, तो क्या भैया प्रत्यक्ष विधि के जरिए, तो अगर हम सिर्फ मान लें कि प्रत्यक्ष विधि ही अच्छी विधि है, तो क्या हम आपको मोहनजोदाड़ो और हप्पा लेके चलें तभी पढ़ाया जा सकता है क्या? संभव नहीं है। ये तो अलग अलग डिपेंड करता है कि हम किस चीज़, अब अगर ये इतिहास अगर हम पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम अपनी किताबों का ही सहारा लेते हैं। अब सांख्य दर्शन के प्रवर्तक बानी फाउंडर कपिल ऋषि हैं, तो हम ये कैसे जान रहे हैं? क्योंकि ये किताबों में लिखा है, मेरी मुलाकात तो सामने आमने हुई नहीं उनसे, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई सांख्य कपिल जी ने मुझे खुद बताया, महर्षि कपिल ने मुझे खुद बताया कि मेरा प्रत्यक्ष उनके साथ साक्षात्कार हुआ। कैसे कैसे हमने पढ़ा? क्योंकि ये किताबों में लिखा हुआ है, और वो किताबें हम क्या मानते हैं? प्रामाणिक स्रोत मानते हैं, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज हम मानते हैं, है ना? वैलिड सोर्स ऑफ जब नॉलेज हम मानते हैं, तब हम उसको मान लेते हैं। तो ऐसा कहना कोई लॉजिकल नहीं है कि हम ये कहें कि ये विधि सर्वोत्तम है, जब जिस विधि का, जिस विधि के तरीके से पढ़ाया जा सके। एक टीचर को चाहिए, एक टीचर, क्योंकि आप सभी लोग स्कूलों में, कॉलेजेस में पढ़ाने वाले टीचर ट्रेनिंग से जुड़े हुए लोग हैं हम लोग, तो सभी आप लोग स्कूल डीएड किया है, एमएड किया है, तो टीचर लाइन में ही है। तो ऐसा नहीं है कि आप घर से सोच के निकलें कि आज मैं सिर्फ इसी शिक्षण विधि के माध्यम से बच्चे को पूरा लेक्चर पढ़ा दूंगा। ज़रूरी नहीं है कि वो कामयाब हो, उससे आपको कुछ दूसरा अडॉप्ट करना पड़ सकता है ना? तो ये कोई बात नहीं है कि हम सिर्फ कौन सी सर्वोत्तम शिक्षण विधि है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भैया, अगर स्वाद की बात करेंगे तो स्वाद तो जुबा ही बताएगी, हमारी जबान ही बताएगी कि मीठा है कि खट्टा है, तो उसके लिए तो डायरेक्ट सेंसेस ही ज़रूरी है। वहाँ पर सर्वोत्तम विधि किसी चीज़ का रसा स्वादन करने के लिए, किसी चीज़ का टेस्ट बताने के लिए, तो डायरेक्ट सेंस का होना ज़रूरी है। किसी चीज़ को सुनने के लिए कानों का ही होना ज़रूरी है। तो डिपेंड्स कि हम किस विधि का क्या करते हैं। अनुमान रिसर्च में तो हम हाइपोथेसिस की बुनियाद पे ही आगे बढ़ते हैं, बिना हाइपोथेसिस के, बिना हम परिकल्पना के, हम आगे कहाँ बढ़ पाते हैं? तो रिसर्च में हम अनुमान लगाते हैं। रिसर्च में अगर अनुमान ना लगाएं तो हम कैसे हो सकते हैं, ठीक है ना? तो मैं, अगर आप सबकी इजाज़त हो तो मैं अपनी बात को, क्या सवाल आया है माहिरा खान का, मैम मोक्ष की प्राप्ति सेल्फ एक्चुअलाइजेशन? यस, मोक्ष इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यस, मोक्ष की प्राप्ति मतलब मोक्ष सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ आइडेंटिटी को जब तक हम रियलाइज नहीं करते तब तक हम कैसे? विच इज बेटर, पुरुष और प्रकृति? नो 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 नो, बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्रिएशन। नो वन इज बेटर और बैड, क्योंकि सांख्य दर्शन के मुताबिक, देखिए यहीं पर अद्वैत वेदांत के शंकराचार्य जी ने इस प्रकृति को माया कहा है, इसलिए उनके वेदांत को अद्वैत वेदांत कहा जाता है। लेकिन सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन को क्या कहा जाता है? द्वैतवादी।
ड्यूलिस्टिक फिलॉसफी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रकृति और पुरुष दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट भी हैं और डिपेंडेंट भी हैं। इस सृष्टि के कारण और सत्कार्यवाद जिसको कहते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि इस दुनिया का जो वजूद में आने का जो कारण था वो पहले से था, निहित है, कारण था इसीलिए कार्य हुआ, ठीक है ना। तो ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सा पुरुष अच्छा है या प्रकृति अच्छी है, यहाँ कोई जेंडर वाइज नहीं है, है ना। पुरुष को आप मेल ना कहें और प्रकृति को फीमेल ना कहें, प्रकृति इस कुदरत नेचर, नेचर जिसको कहते हैं, जो कि आपको दिख रही है, प्रकृति दिख रही है लेकिन जड़ है, और पुरुष दिख नहीं रहा, एब्सोल्यूट है, निरातीत है, निर्गुण है, निर्विकार है, लेकिन चैतन्य है, लेकिन चैतन्य है। इस जड़ता में, इस जड़ प्रकृति में जब तक इस चैतन्य पुरुष का समावेश नहीं होता, तब तक इस सृष्टि की रचना नहीं होती। तो कोई भी जो है, दोनों जो है, आप ये नहीं कहा, ये बिल्कुल नहीं है कि ये अच्छा है और ये ज़्यादा अच्छा है और ये ख़राब है, दोनों का संयोग से ही सृष्टि की उत्पत्ति है। प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, लेकिन महत जो है, चूँकि प्रकृति जड़ है, महत इस जड़ता में बुद्धि जड़ है, और जब तक इस सोल, भाई आपका ये शरीर पंच महाभूत से मिलकर के बना है, लेकिन आप बताएं कि अगर इसमें से एक ये चैतन्यता निकल जाती है, ये सोल निकल जाती है, ये कॉन्शियसनेस निकल जाती है, ये शरीर बेजान हो जाता है, आप इसको 2 मिनट भी रखना पसंद नहीं करते, पुरुष निकल गया, सोल निकल गई, कॉन्शियसनेस निकल गया, और ये प्रकृति पूरी जो पंच तत्व से बना था, इसमें से हमने क्या कर दिया, वायु का तत्व अलग कर दिया, और ये शरीर हमारा बेजान हो गया। तो ज़रूरी है कि दोनों की इक्वल, यहाँ पर ये नहीं है कि कौन अच्छा और कौन बुरा, दोनों का इक्वल रोल है, ठीक है। इसी के साथ 4:25 हो चुका है, अगर कोई और सवाल है तो आप लोग लिख दीजिए जल्दी से। मैम, प्राणायाम से क्या मुराद है? प्राणायाम, प्राणायाम योग का मरहला है, है ना। ये एजाज अहमद उस्मानी पूछ रहे हैं कि प्राणायाम, प्राणायाम प्राणों का आयाम, प्राणों का चलना, प्राण क्या है? हमारे अंदर सांस, हमारे शरीर में क्या है? प्राण, हमारी सांसें, वायु, इन वायु का कैसे कैसे जो आरोह अवरोह, जिस तरीके से संगीत में आरोह अवरोह होता है, उसी तरीके से हमारी सांसों का भी, किस तरीके से हमारी सांसें, किस तरीके से हम अपने जो है इस सांसों को नियंत्रित कर सकते हैं, दैट इज़ प्राणायाम। सही तरीके से श्वास का चलना और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का किस तरीके से हम प्रवाह है वो है। थैंक यू सो मच। मैं आप सभी का फिर से एक बार पुनः शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, और आई से थैंक यू टू ऑल हु ज्वाइन द क्लास। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, और मैं टीचर एजुकेटर्स की तरफ से, टीचर एजुकेटर्स के लिए आई एम थैंकफुल कि उन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी को दिया कि मैं आप सब तक पहुँच पाई। नमस्कार।